अभी लगभग 15 दिन पहले एक अंतर्राष्ट्रीय मेडल विजेता खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी द्वारा हरियाणा में हरियाणा के खेल मंत्री पे भी इस तरह के आरोप लगे और हरियाणा सरकार खेल मंत्री के बचाव में आ गई बिना जांच कराए। उससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। तो आपके खेल मंत्री हरियाणा के, उन पे यौन शोषण के इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, आपके कुश्ती संघ पे इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। एक समय था जब खेल के प्रति एक वातावरण बना था देश में और हमारे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में, और माता पिताओं ने अपने बच्चों को प्रोत्साहन देकर खेलों की तरफ आगे बढ़ाया था, जिससे हमारा और आपका सबका गौरव बढ़ा था। जब तिरंगा ऊपर जाता है तो किसी प्रदेश का, किसी क्षेत्र का, किसी इलाके का नहीं, वो पूरे देश का तिरंगा ऊपर जाता है। लेकिन आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा देने वालों के समय में इस तरह की बातें जो आई हैं, ये स्वीकार्य नहीं है देश को। और मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अंत में दोबारा ये कहूंगा कि हर तरह की राजनीति से ऊपर उठ के सरकार केवल देखे तो देश के सम्मान को देखे, देश के खिलाड़ियों के सम्मान को देखे, देश की बेटियों के सम्मान को देखे और चुप्पी तोड़े सरकार। कल से बैठे हुए हैं खिलाड़ी, मगर अब तक ना तो केंद्र सरकार के किसी मंत्री का और ना ही हरियाणा सरकार के, और ये सभी खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपका और हमारा नाम रोशन किया। तो आज हम सबको गुस्सा है, लेकिन सरकार तुरंत कार्रवाई करे।